देखिए क्वेश्चन क्या है, इन कोडिंग डिकोडिंग का, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ओपन द डोर। कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक कोड दिया है ओपन द डोर, पर इसको किस ढंग से कोड किया गया है वो आपको अलग वर्ड देते हैं। जैसे उसको लिखा रिटर्न KETEJO, अगर कभी मिला के दिया हो तो आप तोड़ के ब्रेक कर लें। फिर दिया है डोर इज क्लोज, डोर इज क्लोज। अब डोर इज क्लोज का क्या मतलब है समझें, डोर इज क्लोज रिपोर्ट रिटर्न एज जो PAM है एंड दिस इज गुड। अब देखिए यहां पर जैसे डोर दिया है, यहां पर भी डोर दिया है, तो आप डोर को देखो तो डोर की कोडिंग मिल गई आपको कि डोर को JO से कोड किया गया है, और अभी नहीं मिली। अच्छा, इसमें हमेशा ये पढ़ लेना कि एंड में पूछा क्या है, पूछा है क्लोज बी रिटन इन द लैंग्वेज, तो क्लोज यहां पर है। क्लोज के लिए आपके पास डोर का कोड था तो PA और MA, यानी PA और MA ऑप्शन में से ही कोई एक होगा, ये दो तो नहीं होंगे, अभी कट कर दीजिए। अब बात करते हैं अगले की। अगले में लिखा हुआ है दिस इज गुड, तो दिस इज गुड मतलब इसका कोड दिया है दिस इज गुड। अब देखिए इसका कोड क्या दिया है, किस ढंग से कोड किया गया है, LARAPA, तो इसका मतलब मुझे इसका कोड मिल गया PA, तो इसका कोड मिल गया तो हमें मिल गया इसका PA, तो इसका मिल गया क्लोज का MA, यानी क्लोज का जो कोड होगा वो होगा MA।